आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा स्वाचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिजान शाकुंतलम के छठे अंक का जितना अध्ययन किया है उसमें अभी तक यह देखा है कि राजा जो है वह शकुंतला की स्मृति में उदास हो गया है और एक उपवन में एक बागीचे में माधवी लता के मंडप में बैठकर जो है वह आराम करना करता है। विदूषक उसका जो मित्र है वह उसके साथ है तो वह पूछता है कि मैं तो भूल गया था, तुम भी भूल गए थे क्या? तो विदूषक कहता है कि नहीं, मैं तो भूला नहीं था, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जो है तुम शकुंतला के प्रति मेरे प्रेम को वास्तविक मत समझना, ये तो परिहास में कहा गया है। तो मेरी भी बुद्धि यह मिट्टी के लोंदे के समान ही है, तो मैंने उसको उसी रूप में ग्रहण किया। तो अब क्या करें इसका? तो राजा फिर कहता है ध्यात्वा, ध्यान करके, सखे त्रायस्व माम, हे सखे मुझे बचाओ, हे मित्र मुझे बचाओ। फिर कहता विदुषक वो की मे तत्, विदुषक कहता अरे यह क्या, अनुपपन्नम खल विदृशम त्वयि, तुम इस तरह से करते हो यह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति, सज्जन कभी शोक के कारण दूसरे के उपदेश का पात्र नहीं बनते। कोई शोक में चला जाए और दूसरा आकर उसको उपदेश देने लगे कि आप शोक मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से तो ऐसा मत करिए। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति, ननु प्रवाते पि निष्कंपा गिरयः, बहुत तेज जब प्रवात बहुत तेज हवा चलती है तो भी पर्वत क्या रहते हैं, निष्कंप रहते हैं, हिलते नहीं हैं। राजा कहता है वयस्य निराकरण विक्लवाया प्रियाया समवस्था मनुस्मृत्य बलवद अशरणोस्मि साहि। कहते निराकरण विक्लवाया, जब मैंने अस्वीकार कर दिया अपनी प्रिया को तो वह विकलवा हो गई यानी कि आकुल हो गई। अस्वीकार से व्याकुल प्रिया का प्रिया की दशा की याद कर मैं बड़ा असहाय हो गया हूँ साही, क्योंकि वह कैसी है, इतः प्रत्यादेशात यहाँ से प्रत्यादेशात यहाँ से निकल के यहाँ से अस्वीकृति से इतः प्रत्यादेशात स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता, जब मैंने अपनी प्रिया का अस्वीकार कर दिया तो वह अपने स्वजनम अनुगंतुम जो जो उसके साथ आए थे, जैसे गौतमी आई थी, दोनों ऋषि कुमार आए थे, तो उनके पीछे पीछे वह जा रही थी। स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता, जाने के लिए तैयार थी। मुहूतिष्ठ इति, तो इसलिए जब उसके पिता तुल्य शिष्य के जोर से कहने पर ठहर, मतलब यहाँ रुको, मुँह रुक तिष्ठ इति गुरु समय गुरु शिष्य उच्चैः वदति, मुहूस्तिष्ठेत्युच्चैर् वदति गुरु शिष्य गुरु समय, तब क्या हुआ, पुनर्दृष्टि बाष्प प्रसर करुषाम अर्पितवती, तब फिर क्या किया उसने, पुनः क्रूरे मई फिर मुझ कठोर पर उसने बाष्प प्रसर कलुषाम, जो उसने आंसुओं के फैलाव से मैली दृष्टि, बाष्प प्रसर जो आंसू हैं, बाष्प आंसू प्रसर फैली हुई, और उससे क्या हुई, कलुषाम जो उसकी दृष्टि है वो कलुष्य हो गई, मतलब धुंधली हो गई। अर्पितवती, मेरे ऊपर डाली उसने आंसू से धुंधली हुई दृष्टि, आंसुओं के फैलाव से मलिन हुई दृष्टि उसने मेरे ऊपर डाली, और जब मेरे ऊपर डाली अर्पितवती तत् माम सब विषम शल्यम इव दहती, और जो वह दृष्टि उसने मेरे ऊपर डाली
तो वह आज भी मुझे शल्यम इव दहती, मुझे वो क्या कहते हैं, शल्य के समान, कांटे के समान या तीर के समान, नुकीली कोई चीज़ जो शल्य है उसके समान असविषम विषयुक्त विषयुक्त शंकु के समान, जहर में बुझी हुई बर्छी के समान, शल्य के समान, कोई भी चीज़ जो नुकीली है, लोहे की है या और किसी की, जो नोक जिसमें चुभती है, जो वो शल्य हो, तो बुझी हुई जहर बुझी हुई शंकु के समान या बर्छी के समान मुझे आज भी क्या कर रही है, दहती जला रही है। जब शकुंतला को मैंने स्वीकार कर दिया तो वह अपनी माँ, मतलब वो जो गौतमी आई थी माँ समान, और जो उसके साथ दो ऋषि कुमार आए थे उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो जब वह उनके पीछे पीछे जाने लगी तो ऋषि कुमारों ने उसको कहा कि ठहर जाओ, मत जाओ। और फिर उससे जो घबराहट हुई उसको, और उसकी आंख में जो आंसू आ गए, उस आंसू से, उन आंसुओं से उसकी दृष्टि जो है वो उनके फैलने से उसकी दृष्टि जो है कलुषित हो गई। कलुषित मतलब मलिन हो गई, ठीक से उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह दृष्टि जो उसने मुझ पर, क्रूर मुझ पर डाली, वह मुझे मुझे जहर बुझे हुए, जहर बुझी हुई बर्छी के समान, जहर बुझे हुए शल्य के समान, मुझे अभी भी जला रही है, ऐसा वह राजा कहता है। सानुमति कहती है, अहो ईदृशी स्वकार्य परता। तो सानुमति कहती है कि अरे ऐसी है अपने कार्य के प्रति प्रवृत्ति, अपने कार्य के प्रति जो इन्होंने जो अपना कार्य किया उसके प्रति ऐसी प्रवृत्ति है, यानी उसको सही गलत समझना इनको आता है, ये है। अहो ईदृशी स्वकार्यपरता, इस तरह की कार्यपरता है, अस्य संतापे ना हम रमे, इस संताप से मैं अहम रमे, मुझे प्रसन्नता हो रही है। विदूषक, भो अस्ति में तर्क केनापि तत्र भवत्याकाश संचारिणा नीतेति। विदूषक कहता है कि भो अस्ति में तर्क कि हे भाई, मेरा तो राजा साहब, मेरा तो यह मानना है, मेरा तो अनुमान है कि केनापि तत्र भवत्याकाश संचारिणा नीतेति, आकाश में चलने वाली कोई चलने वाले किसी किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने वो उसको उठा लिया और उसको अपने साथ ले गया। राजा, कह पति देवता मन्य परामर्श मुत्सहित, जिसका जो पति देवता, जो अपने पति को अपना देवता मानती है, यानी ऐसी पतिव्रता है, अन्य परामर्शुम उस सहित, कौन दूसरा उसको छूने का साहस कर सकता है। मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठेति श्रुतवान अस्मि, सुना है तुम्हारी सहेली मेनका किल सख्यास्ते, तुम्हारी सहेली का जन्म स्रोत मेनका है। अब यहाँ पर वो विदूषक को कहते तुम्हारी सहेली जो शकुंतला है, अब इसके पीछे यही है कि बड़े जो समय रहा होगा वहाँ, जितना समय वन में रहे राजा और विदूषक, वे उस समय में विदूषक का भी आपस में शकुंतला के प्रति बहनापा भाईपा हो गया होगा, तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हारी जो सहेली है शकुंतला, उसकी माँ, उसका जन्म का स्रोत जो है वो मेनका है, उसकी माँ मेनका है। तत्सहचारिणी भी सखी ते हृदय ते में हृदय में आशंकते, तो उस यह हो सकता है कि उनकी सखियाँ तुम्हारी सखी को ले गई। तत्सहचारिणी भी सखी ते हृदय ते में हृदय में आशंकते, उसकी जो सहेली मेनका की जो सहेली है वह तुम्हारी सहेली शकुंतला को ले गई, ऐसा मेरा हृदय आशंका करता है।
सानुमति समूह खलु विस्मय नियो न प्रतिबोध अज्ञान ही आश्चर्यजनक है, ज्ञान नहीं। क्या अर्थ हुआ यहाँ समूह असत प्रेम की उत्कटता में प्रेषी शकुंतला का विस्मरण अचरज पैदा कर सकता है। स्मरण तो स्वाभाविक है क्योंकि देर तक भावना की प्रबलता दबी नहीं रह सकती। यहाँ ये कह रहे हैं कि सम्मोह खलु विस्मय नियो न प्रतिबोधः कि सम्मोह जो है ज्ञान ही आश्चर्यजनक है, ज्ञान नहीं। यानी कि जो राजा है वह अभी तक इस बात को नहीं समझ रहा है, कह रहा है ना आशंकते, शंका करता, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञान जो है, अगर ज्ञान है हो जाता है हाँ वही ले गई है तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि कौन ले जा सकता है उसको, शकुंतला को। तो शकुंतला की माँ की कोई सहेली ले जा सकती है शकुंतला को। अगर यह ज्ञान हो जाए तो यह जो है यह आश्चर्यजनक नहीं है। जो अज्ञान था कि कौन ले जा सकता है, अज्ञान अभी जो तय नहीं था, वो जरूर आशंका होती कि राजा को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ले जा सकता है। इसको यदि नहीं समझ में आया, जैसे राजा ने कहा ना कि ऐसा लगता है कि मेनका की सहेली, ऐसा सुना है कि मेनका उसकी माँ है तो उसकी कोई सहेली ही शकुंतला को ले गई होगी, ऐसी मेरी शंका है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो सानुमति कहती है कि अज्ञान आश्चर्यजनक है। यदि वह नहीं समझ पाता कि शकुंतला को कौन ले जा सकता है तो ये आश्चर्य की बात होती, लेकिन ज्ञान जो है कि वह समझ गया कि शकुंतला को कौन ले जा सकता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामान्यतया जो हम जैसे साधारण लोग इस बात पर आश्चर्य करेंगे ना, जब नहीं समझ पाए शकुंतला को कौन ले गया तो इस पर हम आश्चर्य करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ये जान लेंगे कि शकुंतला को आकाश से उतरकर मेनका की सखी ले गई तो आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ बात उल्टी है, कह रहे हैं कि राजा के लिए तो यह ज्ञान जो है यह आश्चर्यकारक नहीं है। नहीं ज्ञान होता कि शकुंतला को कौन ले जा सकता है तो यह आश्चर्यजनक होता। फिर विदूषक कहता है यद्येवमस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या। तो विदूषक कहता है कि यदि ऐसा है कि उसको उसकी माँ की सहेली ले गई है तो खलु समागमः कालेन तत्र भवत्या, तो समय बीतने के साथ तत्र भवत्या आदरणीय शकुंतला के साथ आपका मिलन होगा। राजा कथम ही कैसे होगा, तो विदूषक कहता है न खलु माता पितरो भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम दृष्टुम पारयतः कि माता पिता जो है वे अपनी पुत्री को जो कि अपने पति के वियोग में दुखी है उसको देख नहीं सकते। अपनी पुत्री को पति के वियोग में नहीं देख सकते, माता पिता अपनी पुत्री को अपने पति के वियोग से दुखी होते नहीं देख सकते। यह भाव है कि वह पति का वियोग जो है आप यानी कि आप दुष्यंत का वियोग होगा शकुंतला को, तो उस वियोग से वह दुखी होगी। तो वह जो दुखी है यह दुख यदि उसकी माँ की सहेली ले गई है तो माँ के पास होगी, तो माता पिता जो है वे दुखी नहीं देख सकते किसको, अपनी पुत्री को, और विशेष करके पति के वियोग में जो दुखी पुत्री है उसको तो नहीं ही देख सकते। तो उसको दृष्टुम पारयतः न दृष्टुम पारयतः, उसको नहीं देख सकते। राजा वयस्य स्वप्नोनु मायानु मति भ्रमोनु क्लिष्टम नु तावत् फलमेव पुण्यम असन्वृत्ते तदीतमेते मनोरथानां तटप्रपाताः कि हे मित्र शकुंतला के साथ जो जीवन बिताया मैंने वह सपना था, इंद्रजाल था, बुद्धि की भ्रांति थी या अल्प पुण्य था जिसका फल क्या था, थोड़े समय का साथ था, बस उतना ही था।
स्वप्नोनु मायानुमति ब्रह्मोनु क्लिष्टम उतावत फलमेव पुण्यम, वही उतना पुण्य फल था, उतने समय का साथ था। असन्निवृत्ते तदतीतमेते, यह सब फिर वापस न होने के लिए बीत गया। असन्निवृत्ते तदतीतमेते, वह सब पुनः वापस न होने के लिए बीत गया। मनोरथानाम तटप प्रपाताः, और ये झूठे मनोरथ नदी तट के कगार हैं। नदी तट के कगार क्या होते हैं? तो वो सूख जाते हैं। ये झूठे मनोरथ नदी तट के कगार हैं, ये जल्दी सूख जाएंगे। वो समय जो था वह तो बीत गया, अब ये जो झूठे मनोरथ हैं वो नदी तट के कगार हैं। तो इस तरह से हमने कुछ और अध्ययन किया अभिज्ञान शाकुंतलम में, शेष हम आगे करेंगे। धन्यवाद।